में श्री रामलला को नए वस्त्र भेंट किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थक पंडित कल्की राम ने मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास को वस्त्र व धर्म ध्वज भेंट किया। विवादित स्थल जन्मभूमि पर विराजमान श्री रामलला को वर्ष भर पहनने के लिए सरकारी तौर पर एक एक वस्त्र अलग अलग रंगों के मिलते हैं, जिन्हें वह वर्ष भर पहनते हैं। लेकिन अब श्री रामलला को दूसरे नए पीला वस्त्र मिला, जिसे वह बृहस्पतिवार को धारण करेंगे। अयोध्या में विवादित स्थल श्री राम जन्मभूमि में विराजमान श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास को पंडित कल्की राम ने श्री रामलला के नए पीले वस्त्र पर दो धर्म ध्वज भेंट किए। पंडित कल्की राम पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के विजय रथ के लिए वर्ष 2014 से अनुष्ठान कर रहे हैं। पंडित कल्की राम ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर यह वस्त्र श्री रामलला को भेंट किया। आपको बताते चले कि श्री रामलला की पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन व देखरेख में होती है। ऐसे में श्री रामलला को रामनवमी के दिन एक सेट साथ अलग अलग रंगों के नए वस्त्र भेंट किए जाते हैं, जो पूरे वर्ष उसको धारण करते हैं। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास की मांग रही है कि श्री रामलला एक ही वस्त्र दिन के क्रमवार पूरे वर्ष धारण करते रहते हैं। ऐसे में उनको विभिन्न त्योहारों व अवसरों पर नए वस्त्र प्रदान किए जाएंगे, लेकिन इस मांग पर विचार नहीं हो सका। अब संत व गृहस्थ समाज से लोग आते जाते दिख रहे हैं और श्री रामलला को नए वस्त्र भेंट किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार के जैसे रिसीवर की ओर से केवल एक बार रामनवमी के समय में उसका बजट है दिया जाता है, और एक ही बार अभी तक ये 26 वर्षों में एक ही बार उनका बस बदला जाता था, बनाया जाता था, वही पूरे वर्ष पर चलता था। 7 दिन के बनता था या प्रतिदिन बदला जाता था। लेकिन अब लोगों ने ये इस बात का अनुभव किया है, तो एक हमारे आपने जो अभी एक दिन और एक बस दिए थे जो मंगलवार के, उसको लगाया गया, ध्वजा भी लगाया गया, और आज भी पीला बस जो गुरुवार के दिन लगाया जाएगा। इसलिए अब जो है डबल हो गए हैं, दो हो गए हैं कि अब साल में जो है बदल करके लगाए जाएंगे और एक ही बस पूरे बस में नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो कल्की महाराज हैं जो कर रहे हैं, जो दिए हैं, हम इसके लिए रामलला जी की ओर से इनको धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि इनके जो भी कामनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो जिस कामना से ये साधना करते हैं, रामलला उसको पूरा करें। हमारा अनुष्ठान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के में चल रहा है, और इस संकल्प के साथ, इस आशा के साथ दिया है कि जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूरे विश्व पे धर्म ध्वज की पताका फहराई थी, रामलला के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व पर धर्म ध्वज की पताका फहराए, जो दिख भी रहा है और हो भी रहा है। कौन कौन से वस्त्र आपने लिए हैं? वहाँ पर जो भी देवता मौजूद हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी और जो भी गुरु जी जानते हैं, उन सभी के वस्त्र हैं, और रामलला के दोनों तरफ फहराया जाने वाला धर्म ध्वज है।